हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गैलेक्सी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हीरो एक्सट्रीम 160R की। BS6 सेगमेंट में ये हाल ही में लॉन्च हुई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बाइक है। दोस्तों, मैं इस बाइक का आपको फुल डिटेल में हर चीज़ बताने वाला हूँ, माइलेज से लेकर ऑन रोड प्राइस तक। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें एंड तक। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ नॉर्थ बिहार एग्रो हीरो एजेंसी से। अगर आप मुजफ्फरपुर सिटी या मुजफ्फरपुर के आसपास से हो तो आप इस एजेंसी से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक की फ्रंट हेडलैम्प के बारे में। तो फ्रंट हेडलैम्प में आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प मिल जाता है, वहीं आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंसर मिल जाता है। अगर फ्रंट व्हील की अगर हम बात करें तो आपको 100x18 का 17 इंच का फ्रंट का टायर मिल जाता है। ट्यूबलेस टायर आपको फ्रंट में मिल जाता है, वहीं आपको ABS डिस्क ब्रेक सिंगल चैनल के साथ आपको फ्रंट व्हील मिल जाता है। वहीं अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें तो आपको 160cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि 15 BHP का पावर और 8500 RPM पर और 14 Nm का टॉर्क 6500 RPM पर टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में एक्सट्रीम का स्टिकर मिल जाता है टैंक के ऊपर, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको फ्रंट में स्टिकर मिल जाता है। वही अगर हम बात कर ले इस बाइक की बैक व्हील के बारे में, रियर व्हील के बारे में, तो आपको रियर व्हील का साइज 130x70 का रियर व्हील का साइज आपको इस बाइक में मिल जाता है। वही अगर हम इस बाइक के टेल लैंप की बात करें तो आपको दिखलाते हैं टेल लैंप देख सकते हैं, फुल LED आपको इस बाइक में टेल लैंप दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है LED है टेल लैंप। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी LED मिलती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंडिकेटर भी नई डिज़ाइन में बनाई गई है इस बाइक की। अगर हम बात करें इस बाइक के रियर शॉकर के बारे में तो 7-स्टेज मोनो शॉकर आपको रियर में मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पोर्टी बाइक में ज़्यादातर दिया जाता है। यहाँ पे आपको 160 का स्टिकर भी मिल जाता है पीछे की तरफ। अगर इस बाइक में आपको FI स्टार्ट इंजन में मिल जाता है, FI का यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है, FI स्टार्ट के साथ आपको ये बाइक मिल जाता है। वही अगर इस बाइक की मीटर कंसोल की बात करें तो मीटर कंसोल फुल डिजिटल आपको मिल जाता है इस बाइक में। FI का इग्निशन बता रहा है और ये न्यूटन का इग्निशन है। और यहाँ पे आपको इस डिजिटल कंसोल मीटर में आपको टाइम वगैरह भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको स्टार्ट करने का बटन मिल जाता है रेड कलर का, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आपको हॉर्न का बटन मिल जाता है, जो पहले से ही हर बाइक में। यहाँ पे आपको नया बटन एक ज्वाइन हुआ है हज़ार्ड लाइट का, जो कोई पहले इस कोई बाइक में नहीं आता था, BS6 में अब ज़्यादातर आने लगा है। हज़ार्ड लाइट बहुत अच्छी होती है, चारों इंडिकेटर आपको एक साथ ही जलेगी। मैं आपको ऑन करके दिखलाता हूँ, ये देख सकते हैं, आपको मैं ऑन करके दिखलाता हूँ। ये देखिए, चारों इंडिकेटर आपको एक साथ ब्लिंक करेगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती कार वगैरह में भी पहले आती थी, अब बाइक में भी आने लगी है। नई फीचर आई है इस बाइक में, जो कि जबकि आपके साइड स्टैंड जब गिरी रहेगी तो आपको एक यहाँ पे मीटर कंसोल में रेड कलर का इंडिकेट करेगा, जबकि आपकी साइड स्टैंड जब गिरी रहेगी इस बाइक की। वही अगर हम इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात कर ले तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस मुजफ्फरपुर के अंदर आपको 1,21,000 के आसपास इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है मुजफ्फरपुर के अंदर नॉर्थ बिहार हीरो एग्रो एजेंसी के अंदर। इस बाइक में आपको 3 कलर के वेरिएंट मिल जाते हैं, आपको मैं तीनों कलर दिखला देता हूँ। ये है वाइट कलर का आपको एक्सट्रीम 160R, और रेड कलर में भी है तो रेड कलर में आपको दिखलाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, रेड कलर में भी आपको ये बाइक अवेलेबल है। इस बाइक का 3 वेरिएंट है, ये रेड, वाइट और उधर ये ब्लू। मैं इन तीनों को आपको दिखला दिया, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वाइट वाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, एक्सट्रीम 160 और ब्लू कलर की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वहीं अगर हम इस बाइक के सीट हाइट की अगर हम बात कर ले तो इस बाइक का सीट हाइट आपको 790mm का इस बाइक का सीट हाइट है, 790mm का इस बाइक का सीट हाइट है, जो कि हर हाइट के आदमी लगभग इस बाइक को चला सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस बाइक की सीट हाइट दी गई है। वहीं अगर हम इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस बाइक में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इस बाइक की अगर हम माइलेज की बात करें तो आपको 40 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति लीटर अप्रॉक्स इस बाइक का माइलेज है। अगर मैं इस बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मैं।
अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सके, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।